A wise man speaks because he has something to say. But a fool speaks because he has to say something. Hindi में बोलूँ मैं इसको बुद्धिमान बो व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ है. लेकिन मूर्ख व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसे कुछ कहना है उसे कुछ कहना है उसे तो बस कुछ कहना है पब्लिक स्पीकिंग एक क्रिटिकल स्किल है अगर पब्लिक स्पीकिंग आ गया तो आप इन्फ्लुएंस कर लोगे और इन्फ्लुएंस कर लिया तो आप कुछ भी कर लोगे पर पिछहत्तर से ज्यादा लोगों को सांप के काटने का जितना डर होता है ना उतना तो ही डर होता है उसको पब्लिक स्पीकिंग का पब्लिक को हैंडल करने का नमस्कार मैं विवेक बिंद्रा फाउंडर एंड एनसीओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम पूरी फॉर्म में चल रहा हूं वापस आ गया हूं कैसे कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर मैं बना आज पूरी जर्नी दूंगा आपको मेरी जर्नी ये क्रिटिकल ट्रेनिंग गाइडलाइन है सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनी देने वाला हूं मैं आपको ये फ्री में दे रहा हूं मैं आपको दो वीडियोस में दूंगा पहला वीडियो और परसों दूसरा वीडियो भी डाल रहा हूं पेन पेपर ले लेना क्योंकि ये अगर आपको कॉन्फिडेंस और पब्लिक स्पीकिंग आगे आप गेम चेंज कर लोगे सारे एक्शन पॉइंट्स लिख लेना शेयर करना इस वीडियो को इसके लिए बहुत चार्ज किया जाता है और ये मैं

नहीं दूंगा आपको नो योर ऑडियंस अपनी जिंदगी के अंदर बिना अपनी ऑडियंस को पहचाने में कभी स्टेज पर नहीं गया मैं कभी ऐसे अचानक स्टेज पर नहीं जाता 2016 से 2018 तक मैं हर महीने 50 सेमिनार करता था राइट यू गेटिंग पॉइंट हर महीने 50 सेमिनार कई बार एक दिन में तीन सेमिनार किया करता था उस समय तो मैं साल में 500 से ज्यादा फ्लाइट लिया करता था तीन दिन के अंदर इतने सेमिनार्स मैंने किए लेकिन हमेशा जाने से पहले पार्टिसिपेंट कौन है क्या भाषा पसंद करता है उसकी उम्र क्या है कहां का रहने वाला है जेंडर क्या है कितना कमाता है वो चाहता क्या है प्रोग्राम से वो जिस कंपनी ने उसको इन्वाइट किया उसकी कंपनी

क्योंकि मेरे को मालूम होना चाहिए ऑडियंस कौन है तभी मैं उससे कनेक्ट कर सकूंगा इसलिए नो योर ऑडियंस मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देना मुझे आउटकम क्रिएट करना उनकी जिंदगी बदलनी है शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक 2016 में उसके लिए हमने बड़ा प्रोजेक्ट किया था मेरे एक कॉलीग है अनमोल वो जाकर के वहां पर एक पांच लाख रुपए का प्रोजेक्ट छोटा सा लेकर के आए थे ट्रेनिंग प्रोग्राम था पर मैंने कंपनी की डिटेल्स पता करी बहुत सारा उसका नीड इंटरेस्ट कंसर्न एक्सपेक्टेशन उसकी डिटेल में जब मैं घुसा हुआ क्या रिजल्ट क्या आया उसका चेयरमैन इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि वो पांच लाख का प्रोजेक्ट 5 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गया क्योंकि मैं क्रिएट किया था नो योर ऑडियंस पहला पॉइंट दूसरा बढ़िया पब्लिक पब्लिक स्पीकर बनना है तो कंटेंट बनाते ही को आपको फेस करने से पहले रख लेना। agenda, agenda, एक को दिमाग में रख लो भाई आज बोलूंगा ये, ये मुझे करना है। है, लोग generic, uh, आते हैं और मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी बिना जब भी मैंने कोई सेमिनार किया बहुत टेलर मेड बनाया हमेशा कोशिश किया है कि पहले पर्पस को सेट कर दूं जाकर के स्पीच जिसमें एक आइडिया मुझको आज देकर करके आना है एबीसीडी अप्रोच से जाता था एनालाइज करूंगा ब्रेन करूंगा क्रिएट करूंगा डिलीवर करने के बाद इवेल्युएट भी करूंगा इसलिए मैं रिवर्स तरीके से काम करता हूं पहले सामने वाले की नीड को समझता था अगर इफ यू डोंट नो वट यू वॉन्ट टू अचीव थ्रू योर प्रेजेंटेशन योर ऑडियंस विल नेवर अचीव अगर तुझे नहीं मालूम तुझे क्या अचीव करना ऑडियंस कैसे अचीव कर लेगी मारुति के अंदर मैं आपको एक और के स्टडी देता हूं अपनी

आसानी से वर्कर सुनता नहीं था तो बहुत दिक्कत थी तो मुझे जब सुपरवाइजर को ट्रेन करना था मैं सुपरवाइजर की जिंदगी को पहचान के टेलर मेड करके गया और आपको तो मालूम है हर साल लगातार जितने दिन मैंने मारुति के साथ काम किया उन्होंने मुझे बेस्ट ट्रेनर के अवार्ड दिए तीन प्रकार की स्पीच होती है याद रखना एक जो आपने तैयार करी एक जो आपने दी और एक जो आप देना चाहते थे दे आप वही पाओगे जिसके लिए आपने पूरी तैयारी करी बड़ा अमेजिंग सिक्वेंस दूंगा आपको ये जो पहला वीडियो दे रहा हूँ इसमें दे रहा हूँ तैयारी कैसे करते हैं कैसे अच्छा पब्लिक स्पीकर बनते हैं अगले वीडियो में दूंगा स्टेज पे आप करने के हवाले हो बड़ा अच्छा सीक्वेंस है तो तीसरा स्टेप पीपीटी कैसे बनाओगे प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे इसमें स्ट्रक्चर और सीक्वेंस दे दो अगर तेरे पास स्ट्रक्चर सीक्वेंस नहीं है बात बनेगी नहीं कैसे बनाते हैं सिंपल है फाइव बाय फाइव रूल फाइव बाय फाइव ये सब पेड कॉन्टेंट होता है भैया मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ पूरा देखिएगा शेयर करिएगा फाइव बाय फाइव रूल का मतलब है एक स्लाइड में पांच लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एक लाइन में पांच शब्द से ज्यादा नहीं होनी चाहिए दो बातें समझ लो भैया एक पीपीटी बनाओगे ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कॉन्टेंट लिख दो पांच लाइन से ज्यादा नहीं और हर लाइन में पांच शब्द से ज्यादा नहीं क्योंकि जितना ज्यादा लोग देखेंगे बैठ करके पीपीटी में आपकी वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे इसलिए थिंक इन पॉइंटर्स एंड स्पीक इन स्ट्रक्चर थिंक इन पॉइंटर स्पीक इन पॉइंटर जैसे मैं भी अगर वीडियो बनाता हूं जब आप मेरे प्रोग्राम में आते हो एवरीथिंग अबाउट से पेड प्रोग्राम में आप देखते हो मेरी सारी प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रक्चर होती है फाइव स्टेप्स टू ग्रो मार्केट शेयर

मोटा मोटा वो थीम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जब आप पब्लिक को फेस करने जा रहे हैं जब आप ये भैया थीम सॉलिड अपने अंदर घुसा लोगे ना अपने आप जान आ जाएगी तो पावरफुल पब्लिक स्पीकर वैसे ही बन जाएगा आपको पता ना लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत वेबिनार किए फ्री वेबिनार किए थे सेल्स का महाकुंभ सो सेल्स की स्ट्रेटेजी बड़ा कोहरेंट थीम था शुरू से आखिर तक केवल सेल्स की बात करी

सिंह लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन कस्टमर का डेटा hmm? को बताने का भी तरीका है। नहीं, बोलते जाओ नंबर बोलते जाओ स्टोरी की तरह मुझे अगर आपको अपना बोर्ड लाइन नंबर आप सारी जानकारी ले सकते हो छठी स्ट्रेटेजी कंटेंट ऐसा बनाओ जिसको लोग शेयर करना चाहें आप ऐसा कंटेंट बनाओ जिसको शेयर करने में शेयर करने वाले की इज्जत बढ़ती हो जब शेयर करने में शेयर करने वाले की इज्जत बढ़ेगी तो आपके बारे में शेयर करेगा आपका रेफरेंस देगा यानी कि उसका तरीका क्या है जैसे अगर आप नरेंद्र मोदी को देखो नरेंद्र मोदी कभी भी अपनी पिक्चर अपनी फोटोग्राफ अपनी और जेट प्लस सिक्योरिटी के साथ सेल्फी लेते हुए नहीं डालते क्योंकि वो शेयरेबल नहीं है हा? लेकिन वो कौन सी डालेंगे समुद्र के किनारे प्लास्टिक बीनते हुए वो वीडियो उन्होंने डलवाया कूड़ा उठाते हुए दलितों के पांव धोते हुए ये शेयरेबल कॉन्टेंट है इसको लोग शेयर करना चाहेंगे उनकी लिमोजिन की पिक्चर उनकी जेड प्लस सिक्योरिटी कोई शेयर नहीं करेगा लेकिन आम आदमी अगर होगा तो वो कूड़ा उठाते हुए अपनी फोटो नहीं डालेगा वो लिमोजिन की फोटो डालेगा क्योंकि शेयर करने में उसकी इज्जत बढ़ती है उसको लगता है मैं लिमोजीन की फोटो डालूंगा फाइव स्टार होटल में कॉफी पीने की फोटो डालूंगा अंबानी ढाबे पर चाय पीते हुए फोटो डालेगा अपनी लेकिन गरीब आदमी फाइव स्टार होटल में फोटो डालेगा अपनी अगर कॉफी पी रहा हो क्योंकि वो उसको लगता है ये शेयर करने से मेरी इज्जत बढ़ेगी अंबानी को लगता है कि मैं ढाबे पर चाय पीते हुए दिखाऊंगा तो मेरी इज्जत बढ़ेगी कॉन्टेंट वो बनाओ जिसको शेयर करने से शेयर करने वाले की इज्जत बढ़ती हो ये बड़ी डिटेल की चीजें आराम से आपको समझाऊंगा लेकिन आज ये दोनों वीडियो पूरे देखना साथ तो पॉइंट क्या है आपका इंस्पिरेशनल इंफॉर्मेशन विदाउट रिपिटेशन ये कमाल की बात है आपने देखा है, मैं अपने कंटेंट में कोई गैस नहीं देता कट 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 चलता हूं एडिटर लोग भी जो है ना मेरे वीडियो एडिटर हम hmm? जो ये वीडियो को एडिट करके आपके पास देते हैं वो भी मेरे से बहुत खुश रहते हैं

पॉजिंग पेसिंग एंड पॉजिंग अभी तक मैं कर रहा था पेसिंग बहुत तेज चल रहा था अब मैंने दे दिया पॉज तो कब पॉज देना है? कब स्पीड बढ़ाना है? कब पॉज देना है? कब स्पीड बढ़ाना ये आना चाहिए क्योंकि ज्यादातर स्पीकर क्या है वो आराम से धीरे से बोलते साथियों साथियों और टाइम वेस्ट कर देते हैं जी बड़ा दिक्कत हो जाती है प्रेशियस चीज के लिए भैया आपको आपके पॉजेज आपके पिच आपके वर्ड परमिनेंट आपकी फ्लुएंसी आपके, आपके प्रोनाउंसिएशन आपके आपके इंपॉर्टेंट वर्ड पे आपने कितना समय दिया कॉमन मिस्टेक यही करते हैं कि मोनोटोन चलते रहते मैं कभी धीरे भी जाता हूँ कभी तेज भी जाता हूं टोन मतलब मोनो मतलब सिंगल एक ही टोन में चलते हैं आप मेरे YouTube webinars, मेरे वेबिनार्स में में जाइए जाइए सेमिनार्स बस सिंपल एक एक जर्क फ्री एक साथ चलेगा कोई भी इसमें कट नहीं आएगा गैस फ्री सॉलिड कॉन्टेंट कॉन्टेंट लंबा होने में दिक्कत नहीं लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए मोटा मोटा मुद्दा अगर आप अपनी बात को एक लाइन में नहीं कह सकते तो एक घंटे में भी नहीं कह पाओगे सही समय पर चुप रहना भी पब्लिक स्पीकर की एक बड़ी कला है वो कैसे राइट टाइमिंग पेसिंग एंड पॉजिंग ये कैसे करता है आठवां पॉइंट ट्रेंडिंग कंटेंट का भी यूज करूं वायरल क्या चल रहा है आजकल अमूल ने बहुत किया ना बदतमीज दिल उससे क्या कर दिया बटर दिल बगाना था न बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना माने ना उसको बटर मिल दिल कर दिया हा? बजरंगी भाईजान को बटरंगी भाईजान मोदी जब यूएसए जा जाता था तो हूं यारो हाँ सुंदर पिचाई सीईओ बना तो बोला पीओ सुंदर चाय सुंदर पिचाई को कर दिया सुंदर चाय सुंदर चाय साथ में ब्रेड मक्खन भी खा लेना पीके मूवी आई थी कहते खा पी के जान हाँ जी खा पी के क्या खाओगे ब्रेड खाओगे अमूल के साथ मक्खन लगा के आ क्या वायरल चल रहा है उसको यूज करो ये ये मेरी कार्ड है और ये हम हैं और ये हमारी पौड़ी और ये हमारी का और हमारी पार्टी हो रही है ये क्या था इसके ऊपर सबने बहुत यूज किया हा? श्वेता का माइक कौन रहेगा श्वेता श्वेता तेरा माइक कौन है श्वेता के बाद उभरेंगे बंगाल पे चुनाव चल रहा है तो हमने बंगाली कम्युनिटी पे सुपर हिट वीडियो दिया लोगों ने बहुत प्यार दिया वीडियो में नोवी स्ट्रेटेजी पहला क्या बताया इससे पीछे भाई क्या चल रहा है उसका इस्तेमाल करो कॉन्टेंट में लोग कनेक्ट होते हैं नोवी आई हेट एक्सटेमपोर आई हेट एक्सटेम्पोर आप पूछ सकते हो डॉक्टर बिंद्रा आप जर्क फ्री कॉन्टेंट देते कैसे हो पूरा फ्लो में बोलते कैसे हो इतना इतना वर्ड पर मिनट इतना कंट्रोल इतना स्पीच पे कंट्रोल आता कैसे प्रिपरेशन अगर मेरी तीस मिनट की स्पीच है तो नब्बे मिनट की तैयारी पहले तीस मिनट में कंफर्ट दूसरे तीस मिनट में कॉन्फिडेंस तीसरे मिनट में परफेक्शन ये रूल है नब्बे मिनट का तीस मिनट की स्पीच पहले तीस मिनट में एक तैयारी कंफर्ट हो गया दूसरे तीस मिनट में एक तैयारी कॉन्फिडेंस आ गया तीसरे तीस मिनट में एक तैयारी परफेक्शन आ गया ओनली अ प्रिपेयर स्पीकर डिजर्व टू बी कॉन्फिडेंट और कोई नहीं भैया परफेक्शन इज द की रिहर्सल बहुत जरूरी है मेरे यूट्यूब भी

आपके दिल से निकले मेरे पता दिल से नहीं निकलता है मेरे दो सौ छह हड्डियों में से निकलता है मेरी हर हड्डी से कंटेंट निकल रहा है जब मैं बोल रहा हूं ना तो मेरी ऐसा अच्छा? मैं बोल भी रहा था उस दिन मैं भाग रहा था बहुत तेज तो मेरे शरीर से पसीना नहीं निकल रहा था कंटेंट निकल रहा है क्योंकि, क्योंकि आ जाता है आई डू नॉट नॉट स्पीक इफ आई कैन प्रेज अबाउट समथिंग जब मैं उसकी तारीफ कर सकता हूं पूरा से बोल सकता हूँ कम्युनिकेटिंग वेल ये दो बातें भैया बोलेगा बढ़िया कैसे लेकिन पहले समझेगा बढ़िया कैसे पब्लिक स्पीकिंग एक टैलेंट नहीं है पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है स्किल मतलब तू ले सकता है टैलेंट मतलब तुझे बचपन में मिला था तेरे जन्म में मिला था स्किल मतलब तू एक्वायर कर सकता है देखो जो होते ना ऑर्डनरी म्यूजिशियन कोई नहीं सुनता ऑर्डिनरी पेंटर की पेंटिंग कोई नहीं खरीदता ऑर्डिनरी पब्लिक स्पीकर का वीडियो कोई नहीं देखता मीडियोक्रिटी नहीं चलती है आपको चाहिए क्या कन्विक्शन नॉलेज एंड कन्विक्शन कृष्ण भी बोलते श्रद्धा न संशय आत्मा विनश्य अश्रद्धा जिसको मतलब कन्विक्शन नहीं है मतलब नॉलेज कन्विक्शन नहीं है अगर सामने वाले को जरूरत नहीं उसको जल्दी नहीं उसको इच्छा नहीं उसको विश्वास नहीं यानी कि नो नीड नो अर्जेंसी नो डिजायर नो ट्रस्ट उसके बावजूद वो तुझसे ले लेगा सामान क्यों क्योंकि कन्विक्शन है तेरे पास में ये चारों चीजों को तू बदल सकता है इसलिए कन्वेक्शन के लिए प्रैक्टिस करो डू इट ओवर एंड एंड ओवर अगेन इट बिकम्स पार्ट ऑफ हु यू आर 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 बट द गुड न्यूज इज सुपरस्टार पब्लिक स्पीकर्स मेड दे नॉट बोर्न वो बनते हैं पैदा नहीं होते हैं हा? हर पब्लिक स्पीकर शुरू में खराब होता था मैं भी जब पहली बार सेशन दिया था ना पहले सेमिनार में अपना सारा कॉन्टेंट भूल गया था हालत खराब हो गई थी लेकिन आज दो सौ तो छह हड्डियां इकट्ठे बोलती हैं अब आते हैं हम लोग अगले स्टेज पे अब ये सब आपने तैयारी पीछे कर ली अब स्टेज पे क्या करोगे पार्ट टू बहुत सॉलिड है पार्ट टू में मैं अगले ग्यारह पॉइंट दूंगा पहले पार्ट वन का आखिरी पॉइंट समझ लो फटाफट एंथम इज कंटेजियस एंथ्यूजियांस इज ऑडियंस मोस्ट डिजायर्ड क्वालिटी फ्रॉम अ पब्लिक स्पीकर पब्लिक स्पीकर के अंदर अगर एक क्वालिटी चाहिए तो वह एंथ्यूजियाजम हाँ आपने देखा पीछे मैंने बैठ के वीडियो बनाने शुरू किए थे हु? इस कोरोना काल में पूरा टाइम मैंने बैठ के वीडियो बनाए मेरे एंथ्यूजियाजम में कमी थी मैं वापस खड़ा हो हुआ हूँ जब से खड़ा हुआ हूँ हर वीडियो मिलियंस में जा रहा लोग इतना देख रहे हैं बहुत सॉलिड कॉन्टेंट दे रहा हूँ ग्रेट ट्रेनर अपना इंथ्यूजियाजम ट्रांसफर

पाँच हज़ार पार्टिसिपेंट थे उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई मैं इवेंट नहीं करना चाह रहा था लेकिन हालत खराब थी पर इतने लोग मेरा वेट कर रहे थे बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी मुंह में मैंने दवाई डाली थी और स्टेज पे पहुंच गया एनर्जी पूरी थी क्योंकि एंथ्यूजियाजम जो है ना सारी हड्डियों से निकल के आता है उससे क्या है आप अपने पार्टिसिपेंट को जान जाओ ना आप अपने कंटेंट को समझ जाओ ना तो आप खेल सकते आप, you, uh, अच्छा हो स्टेज पे आकर के आप यू स्पीक होता है उसे कोई दिक्कत नहीं आती है क्यों चूँकि वो अपने कॉन्टेंट को जानता स्पीक यूर माइंड इवन इफ यूर वॉइस इज शेकिंग जब तुम मन से बोलेगा दिक्कत नहीं आएगी देखो बात समझो मन से बोलने का मतलब क्या है हुँ? तीन स्टेजेस बात समझो से बोला वो कंटेंट कान तक पहुंचेगा तर्क लॉजिक तर्क से बोला वो कंटेंट दिमाग तक पहुंचेगा पर दिल से बोला हुआ कंटेंट दिल तक जाता है सही रूप से समझ आता है हमेशा याद रह जाता है तो मुंह से नहीं बोलना दिमाग से नहीं बोलना दिल से बोलना है हा? जो जो मुंह से बोला जाता है वो केवल हियर की स्टेज पे जाएगा हियर मतलब खाली सुनोगे जो दिमाग से बोला जाता है वो अंडरस्टैंड और मेडिटेट तक पहुंच जाएगा लेकिन जो दिल से बोला जाता है वो डाइजेस्ट एंड अप्लाई हियर अंडरस्टैंड मेडिटेट डाइजेस्ट एंड अप्लाई ये पांच स्टेजेस है आपको डाइजेस्ट एंड अप्लाई तक पहुंचना है ताकि जिंदगी बदल दो सामने वाले की इफ यू फील द दॉन्टेंट योर टंग विल मैसेज ऑफ योर हार्ट बिल्कुल सिंपल है इमोशनल ट्रूथ जो है ना ये हमेशा ध्यान रखना, से बड़ा है, में. जो है, उस विश्वास करते हैं Intell को रह जाता है. like दे दो जिसको तू तो खुद सुनना चाहे जिसको सुनने में मजा आए ताकि लोग रुके तेरे साथ में क्योंकि मैं भी वो हलवाई हूँ जो केवल अपनी दुकान की मिठाई खाता हूं इधर उधर से नहीं खाता मामला यहां खत्म थोड़ी हुआ है पार्टी में असली गेम है अभी तक मैंने स्टेज से पहले की तैयारी बताई अब तुम तो स्टेज पे क्या करेंगे जीतेंगे कैसे स्टेज को मंच को जीतेगा कैसे ओपनिंग क्लोजिंग कैसे करेगा विजुअली कैसे बोलेगा सरप्राइज लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आएगी ये मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं वर्बल विजुअल वोकल क्या है? तीन क्या है 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 मिनट के रूल्स नजिंग कैसे करना गोल्डन स्टेटमेंट कैसे देते हैं अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल क्या है अगले वीडियो में दूंगा यह नहीं बोल रहा हूं चार्ज करूंगा अगले वीडियो में दूंगा क्वेश्चन आंसर कैसे लिए जाते हैं वैसे एक काम करना नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना इस वीडियो में सबसे अच्छी लर्निंग आपकी क्या थी और आपको तो पता ही पड़े हो किस चक्कर में विनम्रता से कोई नहीं है टक्कर में ये स्किल्स इंप्र इंपॉर्टेंट है आप इंफ्लुएंस कर सकते हो सबको अगर सीख गए तो लोगों की सैलरी हाइक बीस से तीस परसेंट फालतू मिल जाती है क्योंकि आपको तो अपने बॉस को भी तो इंप्रेस करना इन्फ्लुएंस करना अपने सारे के सारे सबॉर्डिनेट को ट्रेन करना ऑडियंस को कैसे पकड़े क्वेश्चन कैसे लिए जाए क्लाइंट से कॉन्वर्जेशन कैसे होगी सबको इंप्रेस कैसे करोगे भाई मेरे बहुत क्रिटिकल स्किले ये हर आदमी को चाहिए ये कैसे आप लोगों को कन्विंस करोगे सबको कन्विंस करना है जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को गुलाब का फूल दे रहा है वो भी पब्लिक स्पीकिंग है जब लॉयर जज को अंदर कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर रहा है वो भी पब्लिक स्पीकिंग है ऑल स्पीकिंग इज पब्लिक स्पीकिंग वेदर वन टू वन या वन टू थाउजेंड इसलिए मैंने बहुत सारे कोर्सेज बना दिए आपको प्रेजेंटेशन स्किल पर कोर्स बनाया पर्सनलिटी डेवलपमेंट पे ड्रेस टू इंप्रेस पे एटिकेट पे कॉन्फिडेंट पर्सनलिटी पे हाउ टू सेल टीम मैनेजमेंट और इसके अलावा सक्सेसफुल वेबिनार कैसे कंडक्ट करें कॉर्पोरेट एटिकेट क्या होता है सोलो प्रनियोरशिप क्या है स्किल सेट माइंड हैंडलिंग क्लाइंट स्टोरी टेलिंग

वो जर्नी दूंगा कि आप स्टेज पे करोगे क्या शेयर करिएगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी लर्निंग देने आइए सब्सक्राइब करिए अगर आप नए आए हैं वर्ल्ड का नंबर वन ऑन्ट्रप्रनोरशिप चैनल पे आने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका मुस्कुराहट के साथ हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद